दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन की खास पेशकश एसटीएन टॉक शो। टॉक शो में मुद्दा एक बार फिर अग्निपथ को लेकर पूरे भारतवर्ष में इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर तरफ एक ही चर्चा है, अग्निवीर अग्निपथ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अग्निपथ जैसी एक योजना को लेकर जब भारत सरकार, दोस्तों जिनके लिए ये योजना लाई गई, क्या हम उनसे बात करके ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स इन चर्चाओं में लगातार दिख रहे हैं टीवी चैनल्स पे। हमने भी आज एक छोटा सा प्रयास किया, हमने भी आज अपने शहर में कुछ चुनिंदा ऐसे हमारे युवा मित्र, हमारे ऐसे छात्र, हमने उनसे उन तक पहुंच कर उनसे जानने की ये कोशिश की कि क्या वो क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर, क्या वो इसके लिए तैयार हैं, वो फौज में क्यों जाना चाहते थे, अब उनका क्या होगा, क्या उनके सामने एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है भारत सरकार जो लेके आ रही है, या उनके सारे सपनों पे पानी फिर गया है। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान हैं, हमारे क्षेत्र से, कोटा से और बारा से और बूंदी और ये जो नज़दीक के जो हमारे ज़िले हैं, यहाँ के ग्रामीण अंचल और ग्रामीण परिवेश से ये बच्चे आते हैं और कोटा में रह करके पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको पहले हमारे दोस्त से। आपका शुभ नाम? कोमल मीणा। आप कहाँ से आते हैं? जी सर, मैं झालावाड़ ज़िले में से, जो इकलिया तहसील है वहाँ चुरेड़ा पंचायत, वहाँ की गोरियाखेड़ा गाँव से। गोलियाखेड़ा गांव से आप हैं। आप कब से हैं कोटा में? सर मैं 2019 में आया था सर। क्यों आए थे? सर मैं इंडियन आर्मी के लिए आया था सर। इंडियन आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? सर शौक था सर। शौक था? सर 2019 से तैयारी कर रहे थे कोटा में रहके। सर पहली बार आया था 2019 में, तो क्या कि जो हमारे सर है फर्स्ट में, मेरे को जो हमारे दीपक सर हैं जी, यही मिले थे मेरे को सर जी। आपके फादर मदर क्या करते हैं गाँव में? सर खेती करते हैं सर। पापा खेती करते हैं? यस। कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर दो भाई हैं, एक तो मेरे से बड़ा, एक मैं हूँ। आपके परिवार में और भी कोई फौज में गया है? सर नहीं गया। आप ही की पहली बार इच्छा थी? हाँ सर, मेरे पूरे गांव में सर मेरी इच्छा थी। 2019 से लेकर के अब तक आपने कोई फिजिकल ट्रेनिंग या कोई इस टाइप से कोई फौज की कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटी में कुछ हिस्सा लिया, कोई एग्जाम वगैरह में दिया कोई? नहीं सर, पहली बार फॉर्म डाला था, एक बार जो वैकेंसी रद्द हो गई, 2 साल कोरोना की निकल गए, और ये एक फॉर्म भी डाला था, उसकी तैयारी कर रहे थे, फिजिकल दिया, टेस्ट दिया, वो पास हो गया था। फिजिकल पास हो गया जी सर। अब आपके आने वाला क्या होता? सर अभी वो एग्जाम होने वाला था ना सर। कब था वो एग्जाम? वो सर 31 अक्टूबर को था सर, आने वाले 31 अक्टूबर को। अब वो कैंसिल हो गया सर, इन्होंने कैंसिल कर दिया वो भी। अब क्या आपको लग रहा है? सर लग रहा है सर नहीं होगा सर, कैंसिल हो गई। वो सारा जो आपने किया था, जो मशक्कत की थी, वो सब खत्म हो गई? सब खत्म हो गई सर। अच्छा, अब आपका क्या मतलब, अब आपको कैसा क्या मतलब फील क्या कर रहे हैं? अब आप क्या वापस गांव जाएंगे या अग्निवीर अग्निपथ योजना में अपना फिर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे? सर पहले तो सोच रहा था कि मैं भी खुद सुसाइड कर लूं सर। सुसाइड कर लूं सर? कसम से सर यही फील हो रहा था मेरे को, मैं मतलब सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरे को जो भी वही चाहिए थी सर, आर्मी ऑनली। शुरू से मन का बनाया हुआ था? घर वालों ने बोला कि तू कोटा किस लिए जा रहा है? मैंने कि मैं आर्मी की तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मेरे को तो शुरू से ही आर्मी चाहिए थी ओनली, तो दूसरी जॉब भी नहीं चाहिए। आर्मी नौकरी दे रही है ना, अग्निवीर बना रही है ना? नहीं तो इन्होंने नहीं जाना चाहते, लेकिन अब तो सर ये जो हमारी एज है वो भी तो ज्यादा हो गई सर। अच्छा, कितना हो गई? सर अभी 20+ से ज्यादा हो गई, 22 ईयर से ज्यादा चल रही है। आपसे और बात करेंगे, आप अपने साथी को जरा माइक दीजिए। हेलो, आपका शुभ नाम? बंटी गोचर। बंटी गोचर, आप कहाँ से आते हैं? यहाँ कोटा जिला के तरसील दिगोद के मदनपुरा गांव से हूँ। मदनपुरा गांव से आते हैं। आपके फादर क्या करते हैं? किसान है वो भी किसान है। आपके कितने भाई बहन होंगे? मैं एक ही हूँ। अच्छा, इकलौते हैं? और इकलौते होने के बावजूद भी आप सेना में जाना चाहते थे? हाँ, बहुत जनों ने, मेरे दोस्त भी तैयारी करते हैं तो उनके साथ बहुत तैयारी की है, कोटा में रह के तैयारी की है। कहाँ मतलब पढ़ाई, कहाँ आपकी पढ़ाई, कहाँ तक हुई पहले ही बताइए, स्कूली शिक्षा कहाँ तक? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज में? मतलब कॉलेज की पढ़ाई के साथ में आप सेना की तैयारी कर रहा हूँ। सेना में जाने का ख्वाब क्यों देखते हैं आप, क्यों जाना चाहते हैं आप सेना में?
सेना में जाने का को अब देश के लिए कुछ करने का है सर, देश के लिए कुछ करने का। तो देश के लिए तो आप और भी बहुत सारी सर्विसेज है, वहाँ भी कुछ कर सकते हो। देश नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है सर, नौकरी नहीं है, नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे, देश के लिए कुछ करना जरूरी है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब ये देश ने जो नई स्कीम लेके आई है भारत सरकार, उससे आप सहमत है? नहीं सर। क्यों, बुराई क्या है इसमें? वो पैसे तो वो भी दे रहे हैं आपको, और लड़ने के लिए 4 साल का एक क्षेत्र भी दे रहे हैं, आप अपनी सेवाएं दीजिए वहाँ सर। उससे थोड़ी है भाई, लड़ने के लिए पैसे दे रहे, पैसे से कोई मतलब है? आर्मी तो एक आर्मी के लिए तो सब कुछ तैयारी की है, दौड़ लगाई है, फिर ये बंद कर दी, जिससे क्या हुआ सर? हमारे अगले साथी हैं, राम केलडी महाराजा से हूँ, लोकेंद्र गुर्जर नाम है, पिताजी खेती करते हैं सर मेरे। अच्छा, आप कब से कोटा में? सर मैं कोटा 2018 से हूँ। 2018 से कोटा ही पढ़ रहे हैं आप? कोटा ही पढ़ रहा हूँ सर। और आर्मी की तैयारी की भी? हाँ सर, मैंने 2 बार फिजिकल फाइट किया है। आर्मी का? हाँ आर्मी का। फिजिकल फाइट किया है? हाँ सर। फिर आगे क्या रहा उसमें? फर्स्ट वैकेंसी सर मेरी बिलवाड़ा वाली, जो उसमें मेरे मेडिकल में अनफिटता में। अच्छा। हाँ सर, फर्स्ट वैकेंसी उससे पहले CISF की थी सर मेरी, जो उसमें मैं क्या नाम से चेस्ट फुलाव में निकला था, पहले मैं दुबला था जो चेस्ट फुलाव में निकला था सर। फिर आपने तैयारी की, अपने आप को उसके लिए तैयार किया? हाँ उसके लिए प्रिपेयर किया, पहले मैं गांव में दौड़ करता था सर। अब आपको क्या लग रहा है आप? अब सर ये जो गवर्नमेंट ने अग्निपथ योजना लाए हैं, इससे तो हमें ये लग रहा है कि अपने सपने चूर चूर कर दिए इन्होंने। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों? ऐसा इसलिए लग रहा है सर कि ये 4 ही साल सेवा दे रहे हैं देश के लिए, हमें देश के लिए और ज्यादा सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं, आप इसको मतलब एक रोजगार के तौर पे देखते हैं या खाली एक मतलब इस तरह से कि भाई मैं तो राष्ट्र के लिए ही मतलब... हमें तो राष्ट्र के लिए सेवा करनी है, बट ये अभी जो यो अग्निपथ योजना लाई गई है, इससे तो ये लग रहा है कि एक रोजगार दे रहे हैं बस, इसलिए ये योजना लाई गई है, सभी को रोजगार मिलेगा। यहाँ आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि बल्कि भारत सरकार कह रही है कि वो आपको रोजगार दे रही है, बल्कि आपकी सेवाएं नहीं ले रही है, वो राष्ट्र के नाम पे। जी बहुत अच्छी बात है, आप भैया को दीजिए। क्या शुभ नाम आपका? हेमंत राठी सर। हेमंत दादीज? हेमंत राठी। हेमंत? हाँ सर जी। हेमंत जी आप कहाँ से हैं? सर मैं यही नया गांव से हूँ। नया गांव से हैं? हाँ सर, कोटा जिले से। कोटा जिले से ही है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं इसकी तैयारी 2017 से कर रहा हूँ सर। सेना की? हाँ सर। आपकी उम्र क्या हो गई? सर मेरी उम्र 21 साल। अच्छा 21 साल है, तो जब 16 साल से थे आप जब से तैयारी पे? हाँ सर। आपने कभी कोई टेस्ट पास किया सेना का? हाँ सर, मैंने 2 बार फिजिकल पास किया है, ये इस वाली भर्ती को मिला के। इससे पहले मैंने फिजिकल मेडिकल पास किया था, पर सीए एग्जाम में रह गया था मैं। अच्छा। तो इस बार ज़्यादा मेहनत की थी सर, इसमें फिजिकल पास था, मेडिकल भी पास था, और सीए एग्जाम की भी अच्छी तैयारी थी सर। उसके लिए बहुत मेहनत की थी सर, बाहर जाके कोचिंग की थी सर, जोधपुर जाके। अच्छा, जोधपुर जाके कोचिंग भी लिया आपने? हाँ सर। उसमें काफी खर्चा आया होगा? हाँ सर, कम से कम 40-50 हज़ार रुपए के लगभग करीब खर्चा आया था सर। आपके फादर क्या करते हैं? सर पापा किसान हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है? नहीं सर। कितना होगी? सर ये 3-4 बीघा बस। हाँ सर। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर 2 भाई हैं। 2 भाई? बड़ा भाई है छोटा भाई है? बड़े भाई हैं। वो क्या करते हैं? वो भी बस प्राइवेट जॉब करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, तो मतलब परिवार के लिए एक आप उम्मीद थी कि भाई आपका कम से कम अगर सेना में सिलेक्शन होगा तो उनको काफी कुछ? हाँ सर, पापा को उम्मीद थी कि भाई सपोर्ट मिलेगा अगर सेना में घर का सपोर्ट सिलेक्शन होता है तो। अब क्या लगता है आप जाएंगे अग्निवीर बनने? सर अग्निवीर बनने कहाँ से जाएंगे सर, उन्होंने पूरे सपने चूर चूर कर दिए सर। एक उसमें अग्निवीर में लास्ट उम्र उन्होंने 21 साल कर दी। अब आप बाहर उससे? हम 23 साल कर रहे हैं ना। तो सर हम सर जो बंदे उसमें फिजिकल में अनफिट हुए थे वो रेगुलर प्रैक्टिस पे हैं, वो उनकी वापस रनिंग शुरू कर दी थी उन्होंने। अब हम पेपर के लिए सिलेक्टेड हो गए थे तो हमने तो सर वो रनिंग वगैरह सब छोड़ दी, तो हमें कम से कम साल भर से ज़्यादा हो गया। तो वापस उसी लय में आने के लिए हमें नॉर्मली 3 या 4 महीने चाहिए, और जबकि वो बंदे जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं साल भर से, तो उनको वो हमारे बराबर हमसे तो और आगे निकल चुके हैं। तो फिजिकल तो वही पास करेंगे ना सर, हमारा तो मुश्किल हो गया है उस हिसाब से। तो 23 साल करने का फायदा नहीं है सर, हमारा पेपर था तो पेपर कैंसिल कर दिया उन्होंने, सारा करा कराया पानी हो गया पूरा सर, पानी में मिला दिया उन्होंने। जब आपको ये 3-4 दिन 5 दिन पहले जब ये पता चला कि भाई सरकार जो है वो पुरानी सारी भर्तियां कैंसिल कर दी, जो भी उनकी प्रक्रियाएं चल रही थी वो सब खत्म,
अब अग्निवीर होंगे आप, तो आपके मन पे पहली क्या स्थिति रही उस वक्त सुन करके? सर बहुत बुरा लगा था सर, उस रात भर नींद नहीं आई सर, उस कारण सब आंखें लाल हो गई थी रो रो के सर। अरे बाबा, मतलब स्थिति बड़ी अजीब है कि आपने कहा कि भाई आप इतने डिप्रेशन में चले गए, आप कह रहे हैं कि मतलब रो रो करके बुरा हाल था, तो क्या भारत सरकार ने इन सब बातों पे बिना सोचे समझे किसी योजना को आपके सामने पेश किया है? हाँ सर, यही लगता है आपको? हाँ हमें यही लगता है सर। क्या करना चाहिए था? चलिए सर, इनको हमारा पेपर कैंसिल हुआ है, उनका पेपर करवाना चाहिए था सर। आर्मी वालों का सर पेपर बाकी लगभग नॉर्मली कम से कम 20 से ज्यादा ARO सेंटर है जिनका पेपर बाकी है सर। अच्छा, अब उसमें लाखों बच्चे हैं सर जिनका पेपर बाकी था। एयरफोर्स वालों के सर मेडिकल फिजिकल पेपर सब हो गया था, बस उनका रिजल्ट आना बाकी था सर, उनको ज्वाइनिंग मिलने बाकी थी, उनका सब कुछ कैंसिल कर दिया सर। एक बात बताओ कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? मतलब जब लाखों बच्चों का टेस्ट हो गया, फिजिकल हो गया, ये सब कुछ हो गया, उनको जब सीधे सीधे नियुक्ति देने की जब बात आ रही थी, ऐसा क्यों किया? आप क्या समझते हैं क्यों किया होगा? क्योंकि देखिए मेरे पास भी जानकारी नहीं है ऐसा क्यों किया, लेकिन आप बच्चे हैं, आपके मन में भी ये बात आती होगी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात आ रही है आपकी? सर मेरे को तो लगता है सभी निजीकरण करना चाहते हैं सर, गवर्नमेंट एनर्जी साहब अभी जो सब निजीकरण करना चाहते हैं, सेना का भी, सेना का भी, सभी का कर रहे हैं सर, रेलवे कर दिया, देखो आप ही देख लो सभी जो सभी निजीकरण करना चाहते हैं उसमें। आप क्या मानते हैं? मायूस नहीं होते, अपनी बात रखो, आपकी बात ही आगे जाएगी, खाली एक क्षेत्र गया है ना कोई, नहीं नहीं दो इनको माइक, तो ऐसे नहीं हैरास नहीं होते, हम है ना आपके साथ में, सारा पूरा देश आपके साथ में इस समय खड़ा है यार, क्यों चिंता करते हो आप लोग? सर सपने चोर चोर हो जाते तो कुछ डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत। नहीं नहीं डिप्रेशन में नहीं आना हमको बिल्कुल, खाली एक अगर क्षेत्र में नहीं भी जाना तो हमारे लिए 100 रास्ते खुले हुए हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या करें सर, अग्निपथ से क्या है, रोजगार लेके क्या करेंगे सर, सपने तो है ना आर्मी के हमारे, वो तो थूरो है ना, ये तो हमें रोजगार देना चाहते हैं बस, रोजगार तो अरे किस सबको चाहिए, रोजगार से क्या होगा, जिसके सपने जो होते हैं उनको पूरा करना चाहिए सरकार को। आपका भी यही मानना है कि सपने चूर चूर हो रहे हैं बच्चों के? जो युवा सुसाइड कर रहे हैं उनसे यही कहना रहेगा कि सुसाइड तो नहीं करना होगा अपने को, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन अपने को डटकर सरकार का सामना करना है और इनको वापस पेपर करवाना पड़ेगा, और जो भी अपनी भर्ती है जो आर्मी की वो वापस भर्ती करवानी पड़ेगी, और जो भी अपने प्रदूषण कर रहे हैं भाई, जो भी उनसे बोलना है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान नहीं करे, अपनी भारत माता है इसके लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं और इसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो अपने लिए आघात है। बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताओ कि चलिए आपने कहा कि हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर भारत सरकार नहीं कराती है और भारत सरकार एडामेंट हो जाती है कि हम तो यही तरीका रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? सर फिर तो अग्निपथ जो योजना है अपने देश के लिए, वर्दी में एक जनून होता है आर्मी की में, उस वर्दी को पहनना है हमें, तो फिर अग्निवीर ज्वाइन करेंगे अंततः? हाँ सर, जो बाद में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो यही रहेगा जी। आपका क्या मानना रहेगा कि आप जाएंगे अग्निवीर में, अगर अगर भारत सरकार नहीं मानती फिर क्या होगा, या दूसरी सर्विस में जाएंगे? सर जब भारत सरकार मानती नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन तो कोई रहता नहीं है, पर फिर भी सर वो जिस हिसाब से करवा कर रहे हैं सर, तो वो इस योजना को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि सर उनके पास 2024 में चुनाव आने वाले विधानसभा के, तो सर उन्होंने पहले वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और तो उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं है सर, अब वादा कर रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो इस हिसाब से वो सर इस योजना को लेके आगे। और सर अगर हम प्रदर्शन करते हैं सर अहिंसात्मक, अगर हम डटे रहते हैं, जैसे किसान आंदोलन चला था सर 13 महीने, वैसे अगर हम भी डटे रहते हैं तो उनको लास्ट में ये हटानी पड़ेगी। इन्होंने ये सर ऑफिसर पर लागू नहीं की है, अगर ऑफिसर रैंक पे लागू करते हैं ये इस चीज को तो ऑफिसर इसका विरोध करते हैं, तो इनको एक दिन में ये योजना हटानी पड़ती, इसलिए सर इन्होंने नॉर्मल सैनिक जो जनरल ड्यूटी वाले रहते हैं नॉर्मल छोटी पोस्ट के, उन लोगों पे इन्होंने ये योजना लागू की है,
ताकि वो प्रदर्शन भी करते हैं तो ऊपर से वो ऑफिसर लेवल के आदमी उनको दबा सके। एक चीज आप चारों मेरे साथ में मौजूद है, एक जो बार बार एक बात आ रही है अखबार में मीडिया में कि आप लोगों को कुछ कोचिंग वाले भड़का रहे हैं, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं आपको किसी कोचिंग ने ऐसा कहा कि भाई आप डंडा उठा लीजिए लेने जलाइए? नहीं सर, नहीं सर, हम किसी कोचिंग के साथ तैयारी करते भी नहीं है सर। बस वो रिटर्न के लिए गए थे तो आज दिन तक हमें कॉल तक नहीं किया सर कि आप इसके लिए प्रदर्शन करो। उनका बस ये है कि प्रदर्शन कर रहे हो तो अहिंसात्मक करो, उन्होंने हिंसात्मक की नहीं बोला सर। अब जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं कई जगह तो चलो रेलें टूट रही हैं, वो भी गलत है, नहीं मुझसे सहमत तो नहीं है, लेकिन कई जगह शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी है। तो जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है उसमें भी शामिल होने वालों को तो उपद्रवी लिखा जा रहा है, कई चैनलों पर उनको उपद्रवी बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसे, क्या आप लोग अगर विरोध करते हैं तो आपको उपद्रवी माना जाए, उर्दंगी माना जाए? सर नहीं, हमने भी गए लेकिन शांतिपूर्वक गए थे सर। हम तो यहाँ कोटा में कलेक्टर ऑफिस गए थे, ज्ञापन दिया और शांतिपूर्वक वापस शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। जी सर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। चलिए हम आपसे आखिरी जो है, अभी हमारे साथ में एक और मेहमान है और मैं चाहूंगा कि मैं उनको भी चर्चा के बीच में लेके आऊं, सूबेदार डीएन सिंह साहब। सूबेदार डीएन सिंह साहब ने अपना लंबा जीवन और करियर सेना के साथ में बिताया है, काफी मोर्चों पर उन्होंने काम किया है और अलग अलग शहरों में और पूरे भारत में अलग अलग जगह घूम करके सेना के साथ में नौकरी की है। हमारा सौभाग्य वो हमारे बीच में है, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और सबसे पहले तो मैं सिंह साहब आपका स्वागत करता हूँ, आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ पे दिया है, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, धन्यवाद जी। तो सिंह साहब पहला सवाल मेरा यही है कि आप इस योजना को किस तरह से देखते हैं? देखिए योजनाएं कोई भी हो, सरकार जब योजना ले आती है तो उन योजनाओं में कुछ समय देती है सरकार, और उन योजनाओं को लागू करने में अगर समय देती है सरकार तो ये समझें कि जिसके ऊपर योजनाएं रखी जा रही हैं या जिसके ऊपर योजनाएं लागू की जा रही हैं एक अच्छा समय मिलता है, उसमें गैप मिलता है समझने का उस योजनाओं से फायदा और नुकसान होने का। और एक तरह से इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये हुआ, अगर आप मुझे अगर योजना के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि योजना लाई गई इसके पहले सब फंडा क्लियर हो जाना चाहिए था। फंडा क्लियर का मतलब ये नहीं कि योजना के बारे में हम कुछ आपको कहें, ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे इसमें जो पहली जो सेना का जो जाने का जो तरीका था या जिस तरीके से बच्चे जाते थे सेना के अंदर, तैयारियों को लड़के कर रहे थे, वो तैयारी पूरी कर रहे थे, रनिंग फिजिकल और यहाँ तक कि अब रिटर्न की भी उनकी डेटें आ चुकी। मेरा कहना है ये मानना था कि जब तक ये बच्चों की पिछली भर्तियाँ क्लियर ना हो जाती, जो बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद फिजिकल मेडिकल के बाद रिटर्न की तैयारी में आए थे उसको क्लियर कर लेते तब योजना ले आकर के लागू करते और कुछ समय देते बच्चों को कि हाँ भाई आप लोग का इतने एक साल या दो साल के बाद ये योजनाएं लागू कर दी जाएगी, तो एक बच्चों के अंदर भी एक ये मेंटालिटी बन जाती कि हाँ ऐसी योजना हमारे यहाँ आने वाली है और इसके लिए पूरा तैयार रहना। अब अचानक बच्चे एग्जाम देने की पोजीशन में हैं और आप कहें कि नहीं ये योजनाएं आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएंगे और ये योजना लागू कर दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि हर जगह एक बच्चों के मन में उग्र विस्फोट रूप धारण करेगा और होगा भी क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत किए हैं इस पोजीशन पे जाने के लिए। तो योजना के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सरकार अगर योजना लागू करती है तो समय जरूर हमको देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, 4 साल की नौकरी करेगा हमारा आदमी, क्या 4 साल में वो फौजी बन जाता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी? मतलब ट्रेनिंग छोड़िए, मतलब क्या वो 6-8 महीने की ट्रेनिंग के बाद में लड़ने काबिल हो जाएगा दुश्मन से? देखिए पूरी तरह से मैं नहीं मानता हूँ कि अग्निवीर जो जाएंगे अग्निपथ के माध्यम से वो पूर्ण रूप से सैनिक बन पाएंगे। हाँ योजनाएं सरकार की हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा, सरकार अपनी योजनाएं लाती है। इतना जरूर कहूंगा कि जो सेना के साथ जो योजनाएं लाई जाए उस योजनाओं को बहुत ही सूझबूझ के साथ, क्योंकि हमारी सेना बहुत सेंसिटिव चीज है और इससे अगर इसके अंदर कोई योजना लाई जाए तो इसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ लाई जाए, क्योंकि ये अगर सरकारी योजना लाई होगी तो एक पैनल बनाई होगी, सरकार पूछी होगी एक्सपर्ट से और ये लाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हमें जरूर नजर आती हैं। एक तो समय की पाबंदी जो 4 वर्षों का है इसे और बढ़ाना चाहिए, कम से कम 5 साल का करना चाहिए जो 4 साल है,
और उसके अलावा जो ये 75% का रेशियो जो इन्होंने रखा है कि 50% 75% वापस आएंगे, इसको रेशियो को कम करना, क्योंकि अमूमन जब आप सेना की भर्तियां रैलियों में आप देखते हैं, और इनकी क्राइटेरिया भी यही है कि जो रैलियां पहले जिस रेशियो से चलती थी सेम वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि जैसे एक सैनिक प्रॉपर जो भर्ती होने के लिए हर चीज को अपनाता था, वो आज भी अग्निपथ भी अपनाएंगे उसी चीज, तो हर क्राइटेरिया से वो एक तरह से पूरी क्वालिफाइड होकर के वहां जाएंगे, और उस क्वालिफाइड होने के बाद अगर उसको आप विड्रॉ कर लेते हैं 75%, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कसक एक पैदा होगा कि हम 4 सालों के बाद फिर आकर के हम क्या करें। तो ये योजनाएं के ऊपर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि हाँ, इस योजनाओं को लागू करने से पहले सोचें एक बार, समझें। यहाँ एक सवाल मेरा और खड़ा होता है सर, 75% जो वापसी आ रही है, जब वो वापस अपने शहर में या अपने गाँव में जाएगा तो सामाजिक स्तर पे क्या उसको ये फील नहीं होगा कि यार वो सेना का खारिज व्यक्ति है? देखिए, हमारे यहाँ जो सेना में जो जाते हैं जवान, भर्ती होते हैं जवान लेवल के, जो मैं बात, वो अमूमन गांव के परिवेश से ही जाते हैं जी, और गांव के परिवेश से जाने का मतलब ये होता है कि वो एक मेंटालिटी बना के चलते हैं कि मुझे सेना में जाना है और मैं सेना की नौकरी कर रहा हूँ। अब उस मेंटालिटी से फिर उनको अगर वापस फिर गांव के परिवेश में अगर आप लाते, बेशक उनको पैसे दे रहे हैं आप ये आकर के बिजनेस करें या आप अगला भविष्य बनाएं, अच्छी बात है, सरकार अच्छी सोच है, लेकिन इन बातों को जरूर सोचना चाहिए कि वो लड़का गाँव से एक सेना में जा रहा है और उस स्तर का उसे खाना मिल रहा है, उस स्तर का उसे यूनिफॉर्म मिल रहा है, उस स्तर का उसे फिजिकल एक्टिविटीज मिल रही है, और वो तुरंत फिर 4 साल के बाद आ करके एक ब्रेकअप जो उसका होगा वो बड़ी अजीबोगरीब की ब्रेकअप होगी। अब एक बार तो घबरा जाएगा कि मैं करूं क्या, क्योंकि कई प्रदेश ऐसे हैं जो आरक्षण के मामले में भी बोल रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे और दे भी रहे हैं, जो सेना के रिटायरमेंट लोग हैं दे रहे हैं आरक्षण, लेकिन इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उन आरक्षण में कहां तक ये समायोजित होंगे। आज हमारा सैनिक जो 16 साल या 17 साल करके आरक्षण लेकर के एक सेना के लिए जब आ रहा है, उसमें भी बहुत सैनिक ऐसे हैं कि उनको जगह नहीं मिल पाती है, 10% के जो फ्रेम है उसमें फिट नहीं हो पाते। तो जो ये 75% जो निकले हुए हैं वहां से, वो कितना उसके अंदर कवर कर पाएंगे? उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि या तो बिजनेस करें, और बिजनेस भी करने में अब वो तो चूंकि सेना के ऐसे माहौल में हो जा चुके हैं जिसमें वो उनका जोश और जज्बा कुछ अलग टाइप का हो रहा है, और उसमें आकर के अगर उनको आप बिजनेस की बातें करते हैं तो उसमें से कितने परसेंट सफल होंगे अब इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना है कि अब उसकी परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो सफलता का परसेंटेज वो नहीं मिलेगा जो एक शुरू से ही एक बिजनेस माइंड की तरफ से जो चल रहा। एक चीज और देखने में आती है, जो हम बातचीत लगातार कर रहे हैं सेना के अधिकारियों से भी, हमारी कई जगह बातचीत हुई, तो एक चीज जो महत्वपूर्ण निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर सेना के मैकेनिकल डिवीजन में कोई काम कर रहा, उसने 10-15 साल उस डिवीजन में काम किया, मान लीजिए कोई मैकेनिकल लोको में काम कर रहा था, लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद में अपनी नौकरी मांगने रेलवे में जाता है, तो रेलवे में उनको ये कहा जाता है कि आप इसके लिए एंटाइटल नहीं है, और बहुत सारी सर्विसेज में उनको ये कहकर के मतलब अलग कर दिया जाता है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को कि आप हमारे यहाँ पे नौकरी करने के लिए एंटाइटल नहीं है, आपका जो ये सेना का सर्टिफिकेट है ये हम लोग नहीं मानते। तो इस मतलब ये तो एक बहुत बड़ी एक तकनीकी अड़चन है ना, कैसे आदमी भरोसा कर ले कि 4 साल के बाद इसको कोई डिपार्टमेंट नौकरी दे ही देगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया कि एक सैनिक जब रिटायर्ड होता है और उसके पास तमाम दस्तावेज सेना के दिए हुए होते हैं जिसको लेकर के वो इम्प्लॉयड होने के रेलवे में चला जाए या मेडिकल डिपार्टमेंट में चला जाए, वहाँ परिस्थितियाँ बड़ी अजीबो गरीब टाइप की बन जाती है। सेना ने वहाँ से सर्टिफिकेट दिया उसको कि आप इस ट्रेड में या इस ग्रुप में आपने इतने साल सर्विस की, उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेकर के अगर वो किसी राज्य सरकार की नौकरियां हैं उसमें आए या केंद्र सरकार की नौकरियां आए उसमें आए, और वो केंद्र सरकार बोलती है कि नहीं, ये तो हमारे मानक के अंदर में नहीं है, आता नहीं है, इस पे आपको ये करना चाहिए, तब हम आपको लेंगे। इन खामियों को दूर करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होगा। अगर इन खामियों को सरकार दूर नहीं करती है और सिर्फ कहती है कि हम आपको टेक्निकल डिग्री दे देंगे, उससे आप जा करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो आप री इम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है उसमें आपको जॉब मिलेगा, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि उससे होगा, उसका कोऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो डिग्री हम इसको दे रहे हैं, इस डिग्री की मान्यता उसके इम्प्लॉयमेंट सेकेंड इम्प्लॉयमेंट में हो रही है कि नहीं हो। उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा बोलता हूँ, बताना चाहूंगा आप, जैसे एक लैब टेक्नीशियन अगर अपनी लैब की डिग्री लेकर के अगर प्रदेश में आता है और प्रदेश के जो वैकेंसियां निकली हुई है उस वैकेंसियों में अगर अप्लाई करता है तो उसको वो मानते नहीं है,
उनको कहना है कि नहीं, सेना के साथ साथ हमको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हमारा आपको डिग्री का प्रॉपर हमको सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीजें करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस अधूरे चक्रव्यूह में अगर हमारा एक अग्निवीर कहें या एक सर्विसमैन कहें अगर फंसता है तो बड़ा उसके लिए दुखद समय होता है। हमारे दरखास्त होगी कि अगर सैनिक रिटायर हो रहा है, अग्निवीर अगर रिटायर हो रहा है, तो उसको प्रॉपर डिग्री दी जाए, प्रदान की जाए, और उसको एक सांत्वना दिया जाए कि हाँ, अगर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के रीएम्प्लॉयमेंट सर्विस में जाते हैं तो इसकी प्रॉपर आपको मान्यता दी जाएगी और इसकी डिग्री के ऊपर आपको लिया जाएगा। तो ये सब चीजों के ऊपर बहुत जरूरी है ध्यान। मैं यहीं पे हमारा जो अगला सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि भारत सरकार ने आखिर ये तैयारी पहले क्यों नहीं करके रखी, पहले वो एक इस टाइप का नोटिफिकेशन तो निकालते कि भाई सेना से जो रिटायर्ड पर्सन है वो जिस भी ट्रेड से आ रहा है और वो किसी भी राज्य में नौकरी अगर उस ट्रेड में करने के लिए जा रहा है तो वो राज्य सरकार उसको डिनाई नहीं करेगी उसके सर्टिफिकेट को। भारत सरकार एक तरीके उसका एक गजट नोटिफिकेशन पहले जारी होता कि भाई पूरे देश के अंदर एक समान रूप से इसको माना जाएगा, इसके अग्निवीर का जो प्रमाण पत्र होगा उसको सब राज्य सरकार स्वीकार करेंगी, सारी ऑटोनोमस बॉडी उसको मानेंगी। ऐसा नहीं करके, बल्कि आपने तो 24 जून को भर्ती की तारीख निकाल दी, इसको आप क्या देखेंगे? देखिए 24 जून को जो ये भर्ती की तारीख निकाले हैं और बोले हैं कि सेकेंड शिफ्ट हम फरवरी में भी शुरू कर देंगे, तो उन बच्चों का भविष्य देखें जिन्होंने पहले ही अपना फिजिकल और मेडिकल निकाल करके स्टेप वाइज खड़े हैं वो एग्जाम देने के लिए। उन बच्चों के बारे में भी सोचें, आप उनकी एज जरूर बढ़ा रहे हैं 2 साल का, लेकिन फिर उनको उसी प्रक्रिया में ले आ करके और फिर उनसे रनिंग करवाना, फिर उनकी मेडिकल करवाना, ये थोड़ा सा मुझे अलग सरकार की योजनाओं को खड़े नहीं दिखाई दे रही है। उन बच्चों का जरूर ध्यान रखें जो बिल्कुल उस स्टेप पर खड़े हैं कि हर चीज तैयार है, एग्जाम देना है और हमको ज्वाइन करना है। इन बातों को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए और इसके इस योजनाओं को लागू करने से पहले उन बच्चों के बारे के उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच, कुछ उन्होंने सोचा होगा ठीक है, लेकिन इसमें जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे जो जा रहे हैं उन बच्चों के रिटर्न आ करके उनका भविष्य क्या, किस किस फील्ड में कितना वो बनाएंगे, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि जाते समय बच्चा तो चलिए आप रैलियां शुरू कर दे रहे हैं, आने वाले 24 तारीख से रैली शुरू है, लेकिन उस दिन को आप ध्यान रखें जिस दिन वो बच्चा वहां से 4 साल पूरा होने के बाद रिटर्न हो रहा, उसके मन में क्या आएगा। मैं जरूर इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप उसके जाने की बात तो जरूर करें कि वो बच्चा जा तो रहा है, ठीक है आप वैकेंसी ज्यादा निकाल रहे हैं, आप उनको भर्ती भी अच्छा दे रहे हैं, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन उस 4 साल के गैप के बाद अब अगर बच्चा वो आता है तो उनका एक भविष्य सिक्योर आप जरूर, नहीं तो हमारे ग्रामीण परिवेश से जाने वाले बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। सर आप भर्ती रोजगार कार्यालय के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, बताते हैं कि करीबन 20% 15% ही लोगों को रोजगार मिल पाता है जो भूतपूर्व सैनिक है, कैसे हम दावा कर लें, कैसे हम मान लें कि ये अग्निवीर के बाहर आते ही उसका रोजगार इंतजार कर रहा होगा? हाँ देखिए कंपटीशन का जमाना तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो 14-15 से पहले जो रेशियो था एक सर्विसमैन के भर्ती होने का, वो रेशियो और आज की रेशियो में बड़ा अंतर हो गया है। जो मेरिट कटअप लिस्ट जो जाती थी एक सर्विसमैन की, उस समय 30-35 पे अगर 100 नंबर का पेपर है 30-35 नंबर पे वो लोग हो जाते थे, एक सर्विस इम्प्लाइड हो जाते थे, चाहे बैंक हो, रेलवे हो या अदर भी, लेकिन वही कटअप आज 60-70 तक पहुंच रही है, लगभग SC ST और जनरल के बीच की कटअप एक सर्विसमैन की पहुंच रही है। आज की स्थिति में अगर अग्निपथ अगर लागू नहीं हुआ है तो ये स्थितियां बन रही है कि वो कटअप जो हमारा 30-35 था वो जा करके जनरल और SC ST के लगभग में पहुंच रहा है। तो जब आप अग्निपथ के जो अग्निवीरों को जो अगर आप विड्रॉल करेंगे तो वो कटअप कहां जाएगा, इस पे ध्यान सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। रेशियो हमारा बहुत ही ज्यादा कम हो गया है भर्ती का एक सर्विसमैन का, तो इस चीजों पे तो ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भारत सरकार को अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या सलाह देंगे, एक सर्विसमैन है आप, बहुत लंबा अनुभव है आपका, क्या होना चाहिए, अब किस तरह से शांति कैसे आएगी और इन बच्चों को आप किस तरह सेटिस्फाइड करें भारत सरकार? देखिए मैं तो आपके चैनल से भारत सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जो अग्निपथ आपकी स्कीम है, जो बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, जो बच्चे उग्र हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में देश के प्रति एक जुनून भरा था और आज ये जुनून देशद्रोह में परिवर्तित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें या तो आपको कमी नजर आ रही है या कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है।
तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि जरूर इन बच्चों को एक माध्यम बना करके इनसे बात करें, इनके बारे में सोचें, और सीधा ही उन देशों से आप कंपेयर ना करें कि जो देश 4-5 साल के लिए नागरिकों को, आम नागरिकों को सेना में लेती है, उन्हें टेंड करके छोड़ देती है। हमारा देश उन देशों से थोड़ा सा अलग है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे ज्यादा आते हैं। मेरा कहना यही है, बच्चों को भी मेरा एडवाइस करना यही है कि आप लोग ये देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। ये देश हमारा देश है, इस देश में आप जो जुनून लेकर के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आज आपका जुनून अच्छा नहीं है कि आप देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जरूर एक कमेटी का गठन करें, और इन बच्चे जो उग्र हो चुके हैं, जिनके अंदर जोश जुनून और उत्साह भरा था देश सेवा करने का, आज वो देश द्रोह के प्रति उनका बदल चुका है, जरूर उनसे बात करें और इन राजनीतिक पार्टियों से दूर रखें। हमने देखा टीवी चैनलों पर कि कई राजनीतिक पार्टियां इनके साथ अटैच हो गई हैं, इनको लेके जा रही है। तो मैं बच्चों से बोलूंगा कि आप दूर रहें इन पार्टियों से, और जरूर मांग अपनी उठाएं। ये लोकतंत्र है, इसमें मांग उठाना हमारा फर्ज है, और इस मांग को सरकार को अमल करना भी उनका फर्ज है। क्या बच्चों की मांगे हैं और आपने क्या उन्हें दे रहे हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि एक कमेटी बैठे और इन बच्चों को बुलाए, बच्चों को बुला करके इनसे इनकी राय जाने, और उसके बाद एक फैसला करे कि हाँ, क्या ऐसे देश के कहीं रेलवे बर्बाद हो रहा है, कहीं आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। एक बच्चों के साथ समझौता होना। आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि आपकी मांग क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, मन की बात बताइए। हमारी मन की बात यही है, जो एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम करवाना चाहिए, उसके बाद अग्निपथ योजना का, और अग्निपथ योजना लाना चाहिए, पहले तो एग्जाम होना चाहिए और इसके बाद अग्निपथ योजना लाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरी राय यही है कि जिन बच्चों का एग्जाम बाकी है, पहले तो उनका एग्जाम करवाना चाहिए। एयरफोर्स वालों का जिनका रिजल्ट बाकी है, उनका रिजल्ट आके उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए सर। वो सर पहले जो पहले भर्ती होती थी उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो हुआ है, तो उसी हिसाब से उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, ना कि अग्निपथ के अंतर्गत। और अगर इनको अग्निपथ योजना लेके आनी है तो सर वो इनको ऐसे लेके, मतलब जो नॉर्मल भर्ती पहले चल रही थी उसको भी साथ में चलने देना चाहिए था, और अग्निपथ को साथ में, मतलब नॉर्मल उसके साथ में एक बार ट्रायल करना चाहिए था उनको, ताकि उस ट्रायल से पता चल जाता कि कितने सक्सेस जाती है, कितनी सक्सेस नहीं जाती है। मतलब कुछ परसेंटेज दोनों का चलना चाहिए था। जैसे नॉर्मली अभी 70-80% वो जो पुरानी भर्ती थी उस हिसाब से चलनी चाहिए थी, और 20-30% के हिसाब से इसको लागू करना चाहिए था, ताकि उससे पता चल जाता कि ये सक्सेस है या नहीं है। सही बात है जी। आप भैया आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे एग्जाम है वो कराए जाए पहले तो, और उसी के माध्यम से में जो ड्यूटी है देनी चाहिए थी इनको, वैसे ही होना चाहिए। अभी आपने एक चीज और बताई थी कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो क्या आपने कर्जा लेकर के तैयारी की है? जी सर। कितना कर्जा लिया होगा बाजार से? गाँव में ही लिया? जी सर, हमने कर्जा लेके गया था सर, जो कि हरियाणा गया था मैं कोचिंग के लिए। अच्छा। जो कि मेरे पास पहले घर पे पैसे नहीं थे, मैंने उनसे बोला मैंने कि मेरे को बाहर जाना है तैयारी के लिए, तो उन्होंने बोला कि करते हम कुछ, तो किसी से उन्होंने मेरे को 40,000 रुपये ला के दिए उधार, और फिर मैं कोचिंग गया, मैंने वहाँ पर 28,000 रुपये जमा किए और मेरे खर्चे के लिए यूज में लिए, मतलब मैंने फिर वापस गया सर एक बार, और इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया, फिर वापस गया सर, फिर लिया कर्जा, फिर गया। भारत सरकार को क्या कहेंगे अब आपके, क्या करे वो, मतलब अब आपके लिए? तो सर इनको एग्जाम तो करवाना चाहिए सर हमारा, जो आपके उम्मीद थे। हाँ, हम और एज और होते जा रहे हैं सर, ये बोल रहे कि 2 साल की छूट दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो क्या सर, अब ये जो बंदे तैयारी कर रहे हैं आगे निकलते जा रहे हैं ना सर, वो तो हमने तो सिर्फ एग्जाम। आप क्या कहेंगे भैया? सर एग्जाम रद्द नहीं करना चाहिए सरकार को, अगर ये चलानी थी इनको दूसरी योजना तो चला देते, पेपर रद्द नहीं करना चाहिए था सर। आपने मन लगा करके तैयारी की? हाँ सर। चलिए, आप सभी हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ पे हमारे साथ में अपना कीमती समय दिया, आपका एक बार पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद।